लॉ के हवाले से बात चली है तो मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते चलूं कि जब मैं कराची में लॉ कर रहा था तो उस लॉ कॉलेज के अंदर मेरे एक दो सुपरिटेंडेंट थे, तो वो एक बुक जो है एक दो तीन बुकें जो है ना डेली भर दिया करते थे। वो बुक जो थी वो कंसिस्टेंट फॉर्म कहलाता था कि जो भी स्टूडेंट इसके फॉर्म को रेलवे में या एयरपोर्ट पे दिखाता था इस फॉर्म को, तो 30% कंसेशन देता था। क्योंकि उस वक्त लॉ की फीस भी 6,000-6,500 हुआ करती थी, आज से 30-35 साल पहले की बात बताता हूँ। यानी जब लॉ जो है 30-35 साल पहले कराची में, तो पूरे पाकिस्तान से लोग लॉ करने के लिए कराची आते थे। तो वो उन्होंने लॉ वगैरह तो नहीं करना होता था, कोई कानूनदान तो नहीं बनना होता था, सिर्फ कंसेशन हासिल करना होता था अपना और अपनी फैमिली के लिए कि भाई यहाँ से कंसेशन फॉर्म कॉलेज से बन जाएगा और 30% डिस्काउंट इनको मिल जाएगा रेलवे में भी और बाई एयर भी अगर जाते हैं तो। और ये लोग जितने भी कराची में आते थे लोग स्टूडेंट वगैरह, वो ज़्यादातर कॉलेजों में ला के अंदर, तो चूँकि फीस भी कम थी, अब 6,000 रुपये जो है एक उसके सेमेस्टर की फी होती थी, बल्कि पूरे साल की 6,900 ऐसे हुआ करती थी 30-35 साल पहले। तो उसमें कई बार ये अपनी फैमिली को भी ले जाया करते थे ट्रेन में और 30% डिस्काउंट लेते थे। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सरहद से और हर जगह से लोग यहाँ पे आते थे और दाखिला ले लेते थे लॉ में। तो आज जो जुडिशरी का बुरा हाल है, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सब लोग जो है जुडिशरी में जो मौजूद है, ये सब लोग जज है, मजिस्ट्रेट है, जो भी है, बड़े वकील है, जिन्होंने कराची से लॉ किया हुआ है, यकीनन ये वो लोग हैं जो इंसाफ का उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, लॉ का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे डिग्रियाँ ली हैं, ये सिर्फ कंसेशन फॉर्म हासिल करने के लिए कराची में लॉ कॉलेजों में इन्होंने दाखिल लिए थे। यहाँ पे तीन कॉलेज हुआ करती थी, एस एम लॉ कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, उर्दू लॉ कॉलेज है। तो वो आप बताइए कि वो सिर्फ इसी वजह से लॉ में दाखिला लेते थे कि उनको 30% कंसेशन मिलेगा, और अगर उनके फैमिली के अफराद भी अगर साथ ही रहते तो वो भी पूरे लेते। तो उससे भी हमारे सुपरिटेंडेंट की रोज़ाना दो दो बुक जो है ना भर जाया करती थी। एक बुक में तकरीबन 100-150 फॉर्म हुआ करते थे। मैं कहता था भाई इतना तुम्हें लिखना पड़ता था, बोला हाँ लोग इतना अप्लाई करते हैं कंसेशन फॉर्म के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी लोग आज बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, मजिस्ट्रेट वगैरह बने हुए हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ला सिर्फ कानून को तरजीह देने के लिए, तरजीह देने के लिए, हिस्सा दिलाने के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि सिर्फ इसीलिए किया था कि चलो भाई हम कंसेशन मिलता रहेगा हमें। क्योंकि उस वक्त तो तक तो नकल भी अलाउ थी, सारी लोग जो है मकसद है कि किताबें खोल खोल के नकल क्या करते थे, कोई रोक टोक नहीं होती थी। आप कुछ कराची के जो लोग हैं वो खुद जानते हैं कि किस तरह नकल आम थी, किस तरह बेड़ा गर्क किया है। तो बाकी तो हमारे कुछ दोस्त तो हमारे साथ जो थे वो तो वहाँ जाते भी नहीं थे अपने अपने प्रोविंस में, और हमारे साथ रहते थे और जाके जब एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम दे के आ जाते थे और मास्टर तक की डिग्री हासिल कर लेते थे। तो भाई कहने की बात ये है कि आज जो मुल्क जो है इसका इतना सत्यानाश कर दिया है, बड़े बड़े अहदे के लोग फाइज हैं और जो कानूनदान मशहूर बने हुए हैं, ये सिर्फ वो हैं जो कंसेशन फॉर्म पे जिन्होंने लॉ कॉलेजों में दाखिले लिए थे और इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, आज बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं। ये जेडी नवगुल ब्रांड जेडी एक मैं आपको चॉकलेट का भी विजिट करा रहा हूँ जगह, मुख्तलिफ टाइप की चॉकलेटें और बड़ी जबरदस्त चॉकलेटें यहाँ मिलती हैं। पिछली बार दो बार हमारी फैमिली के साथ आए थे तो यहाँ से हमने ये चॉकलेटें परचेस की थी।
रेड रेच के नाम से ये है, यानी बेहतरीन चॉकलेट है। देखे चॉकलेट देखिए कितना जबरदस्त चॉकलेट है, ये चॉकलेट है सारी तरह तरह की चॉकलेट आपको यहाँ पे मिलेगी। रिंक अमेरिकन रिंक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देखें ये कैंडल टाइम है, देखिए कैंडल भी यहाँ परफ्यूम के साथ है, ये कैंडल टाइम जो है। ग्रीसली